भीलवाड़ा जिले के नए कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने अपना पदभार ग्रहण करने की कुछ ही देर बाद महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां सफाई व्यवस्था के साथ ही दवाओं की कमी पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए 5 दिन के भीतर इसमें सुधार के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने पदभार ग्रहण करने की कुछ ही देर बाद आकस्मिक रूप से महात्मा गांधी चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान वार्डों में गंदगी को देखकर वो नाराज हो उठे और पीएमओ को इसमें सुधार करने के निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर भट्ट ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि यहाँ पर निरीक्षण के दौरान दवाओं चिकित्सकों की सेवाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान मरीजों की लाइन के साथ ही दवाओं की कमी को भी दूर करने हेतु अस्पताल प्रशासन को 5 दिन का समय दिया गया है। स्टाफ की कमी के सवाल पर भट्ट बोले कि यहाँ पर टेक्नीशियन की कमी सबसे ज्यादा है, इसलिए हम टेक्निकल स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर व्यवस्था अच्छी हो सके इस हेतु वह स्वयं 2 बार माह में निरीक्षण करेंगे। शहर में व्याप्त गंदगी के सवाल पर उनका कहना है कि इसके लिए आमजन को भी जागरूक होना पड़ेगा और नगर परिषद से वार्ता करके शहर में सफाई करवाने का प्रयास करेंगे। हमारा ध्यान जिले में उद्योगों का विकास की ओर भी रहेगा कि किस तरह से अधिक सुविधाएं उद्योगों को मुहैया करवाई जा सके। मैं यहाँ भीलवाड़ा हॉस्पिटल में आया था। सबसे पहले जो हमारे जनता है, यहाँ के लोग हैं, उनको मेडिकल सुविधाएं पूर्ण मिल रही है या नहीं, दवाइयाँ यहाँ पूरी उपलब्ध हैं या नहीं, और डॉक्टर्स अपना कार्य जिस हिसाब से मैंने देखा कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। मेडिसिन की आपूर्ति में भी कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। 5 दिवस के अंदर इनको समय दिया गया है कि जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है उसकी आपूर्ति कर लें, और जो पेशेंट्स की लाइन इतनी लंबी है और कहीं इंस्ट्रूमेंट्स की भी कमी है तो वो उसकी हमने नोटिंग की है और उसको हम यहाँ के ही लोगों से CSR के माध्यम से उस जैसे फिजियोथेरेपी में ज़रूरत है तो उसको पूर्ति कराएंगे ताकि लोगों को सभी चीज़ों की सुविधाएं यहीं हो, उनको प्राइवेट में बाहर नहीं जाना पड़े, सभी सुविधाएं यहाँ मिले। और कई डॉक्टर्स बहुत ही चुस्ती से 180-200 मरीज भी लगातार देख रहे हैं। मुझे खुशी है कि डॉक्टर्स अपना कार्य अच्छी तरह कर रहे हैं और सफाई पे और ध्यान दिया जाए और यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं उसको किस तरह और बढ़ाया जाए। हम सभी डॉक्टर्स के साथ, इन प्रिंसिपल साहब और सुपरिटेंडेंट साहब के साथ इसका मंथन करके लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। मौजूदा स्टाफ में जो टेक्नीशियंस हैं ज़्यादातर और जो फार्मासिस्ट हैं उनकी कमी है, क्योंकि कोई छुट्टी पे चला जाता है तो दूसरे वाले को उसका कार्यभार इतना अधिक हो जाता है कि लोगों को दवाई लेने के लिए 1-1 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इसके लिए मैं इनसे विचार विमर्श कर इस पे कार्रवाई करेंगे कि अतिरिक्त फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पर व्यवस्था हो सके। जो भी टेक्निकल स्टाफ है जिनमें कमी है उसको दुरुस्त कराई जाए, और उसके लिए मेरा फिर लगातार हर महीने 2 राउंड हॉस्पिटल्स के होंगे ताकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको सुचारू रूप से चलाई जा सके, लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। स्वास्थ्य सेवाएं से लेकर सभी सेवाओं तक जो विभिन्न डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनका भी लाभ पहुंचे, और साथ ही जो स्वच्छता के अंदर मैं चाहता हूं कि हमारा ये शहर भीलवाड़ा स्वच्छता में एक बहुत अच्छा नाम कमाए। यहाँ सब सड़कें और लोगों के अंदर भी ये एक स्वच्छता डेवलप करने की, स्वच्छता से रहने की और कचरा न फैलाने की एक प्रवृत्ति मेंटेन हो और वो उसकी उनके अंदर से एक भावना आए, और उसके लिए नगर परिषद को साथ लेना पड़ेगा, आम जन को साथ लेना पड़ेगा, प्रशासन तो साथ है ही। जन जन के सहयोग से हम अपने भीलवाड़ा को एक स्वच्छ और सबसे सुंदर शहर बना सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट पे विशेष फोकस रहेगा कि किस तरह इंडस्ट्रीज़ का हम यहाँ पर उनको अधिक से अधिक फैसिलिटीज़ और जो सुविधाएँ पहुँचा सकें।